हेलो एवरीवन, तो आप सभी को स्वागत है एक और नए ब्लॉग पर। तो दोस्तों, आप सभी को जैसे पता ही होगा कि 15 अगस्त को गए थे हम लोग मनोज दे का शॉप, जो कि झारखंड के बिग यूट्यूबर है दोस्तों। तो उनके शॉप में हमने कुछ खरीदा था दोस्तों, जो कि आप लोग को बताए थे कि एक मैंने माइक खरीदा था। तो आज उसी पर एक ब्लॉग है दोस्तों, आप लोग को दिखाते हैं कि माइक किस तरह है और कैसे काम करता है, आप लोग को पूरा विस्तार से देखते हैं दोस्तों, और इस माइक से हमको क्या फायदा होने वाली है आगे चलकर। तो चलिए, अब देर नहीं करते हुए आप लोग को दिखाते हैं माइक का, और माइक से ही मतलब वॉइस भी बोल के सुनाएंगे दोस्तों। और ये वॉइस और माइक वाला वॉइस थोड़ा आप लोग गैस कीजिएगा, आप लोग सुनकर बताइएगा किस तरह आता है आवाज, ठीक है। तो कंटिन्यू बने रहिए हमारे ब्लॉग में पूरा इंटर देखने के लिए, ठीक है। चलिए आप लोग को दिखाते हैं, और ये देख सकते हैं दोस्तों, यही है थैला, इसी में ऐसे अभी दिखाते हैं आप लोग को। और ये रहा माइक का बॉक्स, और इसके साथ मिला था सर्टिफिकेट, ठीक है दोस्तों, सर्टिफिकेट नहीं है, आप लोगों को दिखाते हैं उस दुकान का जो कि कागज है, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर, देखिए एनजे टीच वर्ल्ड, देखिए यहाँ पर लोकेशन लिखा हुआ है मेरा जगह का, अजय कुमार डुमरी गिरिडीह ऐसे। और इस माइक का जो प्राइस था दोस्तों, ओनली 900 रुपया था, जो कि प्राइस तो ज़्यादा ही था, पर ये कुछ डिस्काउंट में दिए भैया, और इनके साथ में और एक मतलब दिए थे मेरे मोबाइल का ही, जो कि दोस्तों गार्ड लगा दिए थे, तो बहुत खुशी हुई मनोज भैया से। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं मैक, ठीक। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये पता नहीं क्या क्या कागज, मतलब ये इसमें दिखाया गया है कि ऐसे ऐसे करने से काम करेगा ये वाला। और ये देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा चाइन वाला बैग टाइप का मिला है, इसको चलिए ओपन करते हैं। और ये देख सकते हैं दोस्तों, कुछ इस तरह है दोस्तों वायर वाला माइक, चलिए आप लोग को पूरा ओपन करते हैं। और इसके साथ देखिए दोस्तों मिला है, इसमें है एक ठो जो कि साउंड में भी मतलब आप डीजे में ये वाला फिट कर सकते हैं, और ये एक तरह से एक ठो क्लिप है, और ये है थोड़ा माइक में फिट करने वाला, चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। और ये बाहर निकाल लिए, अब इस बक्से को इसको रख दे, सॉरी गाइस ये बक्सा नहीं है, बैग बैग, चलिए इसको फिट करते हैं। पता नहीं ये क्या है दोस्तों, शायद बैटरी वैटरी इनका, देखिए इसी में फिट करने वाले हैं एक चीज, जो कि आप लोग को दिखाते हैं। फाइनली 10 दिनों के बाद ये वीडियो शूट कर रहे दोस्तों, क्या ही बोले, बहुत ही ज्यादा बिजी रहते हैं खेती बाड़ी से लेके ऐसे कैसे। तो दोस्तों जो कि मैंने ओपन कर लिया है, देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा लंबा है दोस्तों, और देख सकते हैं इतना सारा भी बचा ही है, तो इतना डिस्टेंस से भी हमको शूट करना है, आप लोग को दिखाते हैं दोस्तों। एक और बात बताना चाहते हैं कि अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं या फिर आप रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, तो ये माइक आप लोग के लिए बहुत ही परफेक्ट होगा दोस्तों। इससे भी हैवी माइक मिलता है, पर वो 2000 से ही प्लस मिलेगा। और इसका खासियत ये है दोस्तों कि इससे आप यूज करेंगे तो अलग कैमरा यूज करना होगा, जिसका उस कैमरा का नाम है ओपन कैमरा, वो प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना होगा, उसके बाद ये फिट करके उसमें वीडियो शूट करना होगा, तभी होगा। और एक सेटिंग होता है ओपन कैमरा में, वो सेटिंग करने के बाद ही एक काम करेगा। तो चलिए आप लोग को उस कैमरा का थोड़ा दिखाते हैं, आप ये कैमरा और वो कैमरा का क्वालिटी भी देखिएगा दोस्तों, और बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि किस तरह आता है, ठीक है। तो चलिए दिखाते हैं गाइस, जैसे कि आप लोग सुन पा रहे होंगे माइक का आवाज़ किस तरह आ रहा है, और वीडियो क्वालिटी से आप लोग अनुभव कर सकते हैं कि किस तरह आता होगा, ठीक है। तो इससे बोल के दिखाते हैं आप लोग को दोस्तों स्टार्टिंग वाला, ठीक है। तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी, आशा करते कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, और अपने अपने ज़िंदगी में खुश होंगे और व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज का ब्लॉग हम दिखाने वाले हैं आपको कुछ स्पेशल, तो कंटिन्यू बने रहिए, ठीक है। ये हो गया स्टार्टिंग का, अगर आप किसी का रिपोर्टिंग करना चाहते हैं
तो आप पूछ सकते हैं उन्हें कुछ भी रिपोर्टिंग टाइप का, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, और इसको मतलब क्लिप है, इसको मतलब यहाँ से भी यहाँ पर ऐसे करके फिट करके बोल सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने अपने ज़िंदगी में खुश होंगे। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, अगर आप लोग को यह मैं तो दोस्तों जो है कि वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, इस माइक का आवाज़ आपके कानों तक जाती होगी, किस तरह सुनने में लग रहा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, क्या इस माइक से हमको हमेशा रिपोर्टिंग करना चाहिए, ब्लॉगिंग करनी चाहिए? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं और ढेर सारा प्यार दें दोस्तों। और आप सभी को बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद कहना चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि आप लोग के प्यार और सपोर्ट की वजह और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि आप लोग की वजह से, आप लोग के प्यार और सपोर्ट की वजह से आज हमारा YouTube में 9000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए दोस्तों। तो दिल को बहुत ही सुकून मिल रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बस उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ऐसे प्यार दिखाइए और सपोर्ट कीजिए। तो गाइज, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में गाइज, माइक के साथ, रिपोर्टिंग के साथ। तो गाइज, इसी तरह प्यार बरसाते रहिए और प्यार देते रहिए आप लोग के बीच। एक से अनेक ब्लॉग लाने का कोशिश रहेगी मेरी दोस्तों, चाहे रिपोर्टिंग का हो, चाहे पब्लिक प्लेस का हो, चाहे ब्लॉगिंग का हो। दोस्तों, आप लोग को ऐसे ही हंसते खिलते अच्छे अच्छे वीडियो लाने का प्रयास रहेगा मेरा दोस्तों, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।